बेटा एक बात हमेशा याद रखना कि हम मिडिल क्लास के लोग हैं और जिंदगी जीने का हमारा भी एक तरीका है। हाँ मैं मानती हूँ कि दुनिया बदल गई है, आगे बढ़ चुकी है, जितना हो सके ना हमने भी आगे बढ़ने की कोशिश की है, बदलने की कोशिश की है। भाई तुमने अपनी सारी जिंदगी इन दायरों के बीच में गुजार दी है, वक्त के दायरे, संस्कारों के दायरे, लेकिन मैं अपनी जिंदगी इस तरह नहीं जी सकती। और भाई दुनिया मैंने भी देखी है, ठीक है, रोज अलग अलग तरह के लोगों से मिलती रहती हूँ मैं, क्या मुझे नहीं लगता कि मैं उनकी तरह जिंदगी जीऊं? लेकिन मैंने कभी ऐसी कोशिश नहीं की, क्योंकि मुझे पता है तुम लोगों को ये सब पसंद नहीं है। और वो कंप्यूटर क्लास वो तो था ही नहीं, फिर भी हमसे झूठ बोलकर एक ना गई थी मैं झूठ बोलकर, और झूठ बोलने के लिए तुम्हें मुझे मजबूर किया था। वर्षा हाय, हर बात पर तुम्हारी रोक टोक सहना नामुमकिन हो गया था मेरे लिए। मैं नहीं चाहती कि कल जब मैं पीछे मुड़कर देखूं तो बीते हुए कल को देखकर मुझे शर्मिंदा होना पड़े, ऐसा लगे कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी दो वक्त की रोटी कमाने में और अपने आई बाबा को खुश रखने में गवा दी। नहीं, मैं अपने लिए जीना चाहती हूँ। आई प्लीज मुझे जीने दो, आई प्लीज। वर्षा, ये कैसे बातें कर रही हो तुम, और वो भी किसके साथ? ये मत भूलो कि ये तुम्हारी आई है। बाबा, बाबा आप भी? देखो वर्षा, उस दिन ये गलत थी तो मैंने तुम्हारा साथ दिया था, लेकिन आज मैं इसके साथ खड़ा हूँ, इसका मतलब तुम समझ रही हो ना? देख वर्षू, मैंने हमेशा सही का साथ दिया है। कल मंजू गलत थी तो मैंने उसको सबके सामने डांटा, आज तू गलत है। तुझे पता है वर्षू तेरी प्रॉब्लम क्या है, कि तुझे अचानक से ये घर, इस घर के लोग के ख्याल, ये सब कुछ बुरे लगने लगे हैं। वर्षू तुझे अपनी ये सोच बदलनी पड़ेगी। बिल्कुल सही कह रहा है विनोद, इस घर के नियमों से वैशाली को तकलीफ नहीं है, तुम्हारी ताई को तकलीफ नहीं है, फिर तुझे इतनी तकलीफ? क्योंकि मैं हूँ ना, मैं वैशाली हूँ ना मैं अर्जु ताई हूँ। अर्जु ताई को तो तुमने अपनी तरह बना दिया आई, लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं बनना चाहती। तुम लोगों को मेरे झूठ बोलने से प्रॉब्लम है ना, तो ठीक है, आज के बाद मैं जो भी करूंगी सबको बताकर करूंगी, लेकिन करूंगी जरूर, और कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। अरे काका आप आ गए, आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। क्यों, तू क्यों, वो कहाँ गई? अरे आई, वो मैं आपको बताना भूल गया, वहनी ना खाना लेकर दादा के पास गैराज में गई है। आप तो आरती के बाद सावित्री आंटी के घर चली गई, वो आपको बताना चाहती थी लेकिन बता नहीं पाई। बंधु तू एक काम कर, तू थाली वीली लगा दे, और सविता आज के दिन तुम सबके लिए खाना परोसो, चलो चलो। आई, मैंने अभी मंजू से बात की उस हार के बारे में, तो उसको तो उस हार के बारे में कुछ नहीं मालूम, तो अर्जु के यहाँ हार किसने भिजवाया फिर? अगर मंजूषा ने वो हार नहीं भिजवाया तो फिर सविता जी के पास हार पहुंचा कैसे? सविता, ओ सविता। जी दादा। मेरे शर्ट के दो बटन टूट गए, मुझे अर्जेंट काम है, बाहर जाना है। जाओ, कोई मानव का अच्छा सा शर्ट होगा ना, प्रेस किया हुआ, तो वो लेके आओ, जाओ जल्दी। अरे पैसे 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 गिर गए मेरे मानव के खीसे से, पैसे गिर गए। अरे वाह 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 वाह, ये भी है, इसमें क्या है? अरे वाह, कृष्णा ज्वेलर, मतलब जो हार मुझे अर्जुन ने दिया वो उसकी माँ ने नहीं, मेरे मानव ने खरीदा क्या? ये लड़की बहुत सीधी लग रही थी, लेकिन आते ही उसने मेरे मानव पर कब्जा कर लिया, ये मेरे से पंगा ले रही है, देखती हूँ मैं अभी। नहीं, उसके नसीब में क्या लिखा है,